शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब ठीक तो है ना? हाँ। समझ में नहीं आ रहा है, हमें कुछ धुंधला धुंधला सा। ओ, सुने ना दासी, तुम हो यहाँ? तुम जाओ यहाँ से। और ये थाल पकड़ लो। अधिराज, आपने मेरे लिए जितने भी गहने बनवाए हैं ना, मुझे सब बहुत पसंद आए, खास करके ये। ये तो बहुत ही सुंदर है, है ना सुनैना दासी? लगता है ये हार सुनैना दासी को भी बहुत पसंद आया, है ना? ये मेरे अधिराज के तरफ से मेरे लिए विवाह की पहली रात का उपहार। अधिराज मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मुझसे प्रतीक्षा नहीं हो रही। आप मुझे ये पहना दीजिए ना। हाँ हाँ, हटो जरा। बहुत ही सुंदर है अधिराज। ये हार पहना के आपने साबित कर दिया है कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। अब तो ये आंसू तेरे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं सुनैना, बस देखती जा मैं तेरा कितना बुरा हाल करती हूँ। मैं अपने पति को किसी और स्त्री के साथ नहीं देख सकती माँ। कब तक मुझे प्रतीक्षा करनी होगी माँ? मेरे अधिराज की आतश कब वापस आएगी माँ? मुझसे अब और सहन नहीं होता माँ, सहन नहीं हो रहा है। तुम हिम्मत मत हारो सुनैना, क्योंकि ये लड़ाई तुम्हें लड़नी भी है और इसे जीतना भी है। ऐसे उदास मत हुआ करो, क्योंकि तुम्हारी ये उदासी हम देख नहीं सकते। उदास कैसे ना हो अधिराज, हो सकता है मुझे आपसे दूर करना चाहती है। सामने आपको गले से लगाती, ये देख तो मेरा हृदय चूर चूर हो जाता है अधिराज। अपने प्रेम पर विश्वास रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो, क्योंकि यही विश्वास तुम्हें जीत दिलाएगा। तदैव लग्नम सुदिनम, तदैव ताराबलम चंद्रबलम, तदैव विद्याबलम देवबलम, तदैव लक्ष्मीपते देन्द्रियुगम स्मरामि। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम अब जल्दी से सारी पहेलियां सुलझा लो और हमारी याददाश्त वापस ले लो, क्योंकि अब हम भी तुमसे दूर नहीं रह सकते। हमारा प्रेम तुम हो, इस अधिराज की सुनैना भी। अधिराज, मैं आपकी आधा जरूर वापस लाऊंगी और इस लड़ाई को जीत कर भी दिखाऊंगी। जल्दी करो सुनैना, जल्दी हमारी याददाश्त वापस ले, अब हम भी तुम्हारे बिना नहीं रह पाए। अधिराज, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं उस काली शक्ति को जीतने नहीं दूंगी। Namaste, 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 namaste.
मुझे जल्दी से उस जंगल की ओर जाना होगा ताकि मैं दूसरी पहेली के बारे में पता लगा सकूं। जब अधिराज ने अपने हाथों से मुझे यह हार पहनाया ना, तब सुनैना का चेहरा देखने योग्य था। आंखों से गंगा जमुना बहाते हुए वो बेचारी कक्ष से निकली थी। अपनी इन छोटी छोटी जीत में अपनी असली लड़ाई मत भूल जाना सर्पिका। कहीं ऐसा ना हो कि तुम यहाँ हार की खुशियां मनाओ और वहां वो सुनैना पहेलियां सुलझाकर अधिराज की याददाश्त वापस ले आए। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं उस सुनैना को इस बार सफल नहीं होने दूंगी, क्योंकि इस बार मैंने महल के चारों ओर कंटक सुरक्षा चक्र बना दिया है। वो बाहर जाने का प्रयास करेगी पर वो सुरक्षा चक्र के प्रभाव से वो निकल नहीं पाएगी। इस द्वार से जाना सही नहीं होगा, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि उस सर्पिका ने यहां जरूर पहरा लगा दिया होगा। मुझे छिपकर बाहर जाना होगा। वाह, क्या बात है सर्पिका, आज हमें अभिमान हो रहा है तुम पर। बिल्कुल सही किया तुमने कंटक सुरक्षा चक्र बनाकर, क्योंकि इस बंधन को तोड़ पाना सुनैना की बस की बात नहीं। अब ना तो वो बाहर जा पाएगी, ना पहली सुलझा पाएगी, और ना ही अधिराज को मुझसे दूर कर पाएगी। लगता है सर्पिका ने यहाँ कोई सुरक्षा चक्र बनाया है जिसके प्रभाव से मैं बाहर नहीं जा पा रही हूँ। अब मैं यहाँ से बाहर कैसे जाऊं? ये मैं कहाँ आ गई? मैं जानती हूँ ये सब तुमने किया है सर्पिका, ताकि मैं यहाँ से बाहर ना जा पाऊँ। ऐसे छिप छिप कर क्या चाल चलती है? हिम्मत है तो सामने आ। तू वही आई है जहां तुझे आना चाहिए। अब कौन है? मैं तो वही हूँ, परियों की परी, पहेलियों की पहरेदार। पर आपका चेहरा तो अलग है। चेहरा? मेरे चेहरे पर मत जा लड़की। मैं हूँ तो एक, पर मेरे रूप अनेक हैं। मैं कभी भी अपना रंग रूप बदल सकती हूँ। आप वही हो? हाँ, मैं वही हूँ। पर तू तो ऐसे डर गई जैसे किसी चुड़ैल को देख लिया हो। नहीं नहीं, मैं आपके पास ही आने वाली थी, पर उस सर्पिका ने सारे रास्ते बंद कर दिए थे। और पहले फिर तू ये बता, परीलोक की वो मेहंदी कहाँ है जो मैंने तुझे देते वक्त कहा था कि इसे अपने से कभी दूर मत करना। इस कलश को खुद से अलग मत करना, ये तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी है, और इसे सुरक्षित रखना। वो तो अधिराज ने सर्पिका को दे दी। मुझे लगा उस कठिन परिस्थिति को संभालने के लिए आपने मुझे वो मेहंदी दी थी। नहीं, वो मेहंदी मैंने तुम्हें इसलिए दी थी कि तुम उसे अपने हाथों पर लगा सको और उसे रचने के बाद तुम्हें दूसरी पहेली के बारे में पता चल सके। पर तुमने सब खत्म कर दिया। नहीं नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे एक और अवसर दे दीजिए परी, मैं ऐसी गलती वापस नहीं करूंगी, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब ना तो कोई दूसरा अवसर बचा है और ना ही कोई दूसरा रास्ता, क्योंकि तुमने वो मेहंदी किसी और को दे दी, जबकि दूसरी पहेली का तभी पता चल पाता जब वो मेहंदी तुम्हारी हथेली पर सबसे अधिक गहरी रचती। तू तो अपनी होने वाली सौतन को ही दे आई वो मेहंदी। तो ना रही अब मेहंदी और ना रही पहेली, तो ले मैं भी चली।
मैं सर्पिका से वो मेहंदी वापस कैसे लूं? जबकि दूसरी पहेली का तभी पता चल पाता जब वो मेहंदी तुम्हारी हथेली पर सबसे अधिक गहरी रचती। अगर मैं सर्पिका से मेहंदी मांगूंगी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं देगी, इसलिए मैं छुपके से थोड़ी सी मेहंदी ले लेती हूँ।